नमस्कार, आप देख रहे हैं livecities.in। सर रावण बखुलाहट में आ जाता था उसी तरीके से नीतीश चचा जी भी बखुलाहट में, खाली चचा जी का दू को दांत नहीं निकल रहा है। नमस्कार, आप देख रहे हैं लाइव सिटीज और मैं हूं आपका साहब अली। हम इस वक्त पटना जंक्शन पर खड़े हैं और यहां पर तेजस्वी यादव और तेज प्रताप यादव लगातार डटे हुए। हम बात करने की कोशिश कर रहे हैं तेज प्रताप यादव से। तेज प्रताप जी, ये जो कार्रवाई हुई है इसको आप किस तरह से देखते हैं? ये जो कार्रवाई हुई है पूरी किस तरह से देखते हैं? ये जो पूरी कार्रवाई की गई है यहाँ पर, जो तोड़ा गया है, यहाँ तोड़ा गया है, नीतीश कुमार जी पूरे तरीके से बखुला गए हैं। ये कहीं भी आदरणीय श्री लालू प्रसाद यादव जी का या राबड़ी देवी जी का बोर्ड नहीं देखना चाहते हैं। ये जैसे ही देखते हैं, जिस तरीके से रावण को अथी हो जाता था, राम जी रावण के सामने, रावण के महल में, रावण के महल में जब हनुमान जी जब गए तो श्री राम बोले तो उनको घबराहट हो गया रावण को कि श्री क्यों बोल रहा। तो आदरणीय श्री लालू प्रसाद यादव जी का जहाँ जहाँ बोर्ड लगा है, जिस तरीके से रावण बखुलाहट में आ जाता था उसी तरीके से नीतीश चचा जी भी बखुलाहट में, खाली चचा जी का दू को दांत नहीं निकल रहा है। नीतीश कुमार रावण की उपाधि दे दी है। अगला स्टेप क्या है आप लोग का? आगे का क्या स्टेप है अब इसके लिए? क्या आगे का क्या स्टेप? आगे आप लोग आगे का स्टेप है कि लड़ाई लड़ रहे हैं अभी हम लोग। कमिश्नर को जब तक लेटर नहीं ला करके देगा तब तक लड़ाई लड़ते रहेगा आदमी। अच्छा, यहाँ पे राधे कृष्ण जी का मंदिर था, उसको भी तोड़ने की कोशिश की गई है। तो कोशिश कहाँ की गई है? आप अपना चैनल के माध्यम से दिखाइए उसको, पूरा दिखाइए। कोशिश नहीं की गई है, तोड़ दी गई है मंदिर। कब तक रहेंगे यहाँ डटे? डीएम की कलेक्टर कौन आई या उसको मूर्ति सब लेकर के चली गई बनवा के? कब तक डटे रहेंगे यहाँ पर? जब तक इन लोगों का समस्या का निदान नहीं होता, सड़क पे ही रहेंगे, बैठे रहेंगे। आप दूध पीते हैं कि नहीं, पनीर खाते हैं कि नहीं, कहाँ से मिलेगा आपको? ये यदुवंशी लोग देंगे आपको। तेज प्रताप जी, तेज प्रताप जी, एक आखिरी सवाल। 2020 के विधानसभा चुनाव के लिए क्या ये बिगल फूंक दिया गया है? 2020 के विधानसभा चुनाव की इसको तैयारी, चुनाव हो या ना हो उसका मुझे मतलब है, हमारा जनता का समस्या का निदान होना चाहिए। बात जनता का समस्या का निदान होना चाहिए। तेज प्रताप यादव और तेजस्वी यादव दोनों ही पटना जंक्शन पर सड़क पर आधी रात को डटे हुए हैं और लगातार विरोध प्रदर्शन जारी है। तेज प्रताप यादव खुद पहुंचे थे यहां पर, जो तोड़ा गया है मंदिर को, उसको देखने के लिए, उसका जायजा लिया तेज प्रताप यादव ने और साफ साफ कह दिया है कि नीतीश कुमार के बस दो दांत नहीं है, बाकी रावण की उपाधि उनको दे दिए। आप लाइव सिटी साथ बने रहिए, हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करिए, फेसबुक पेज को लाइक करिए और विस्तार से खबरों को पढ़ने के लिए livecities.in पर जाएं। धन्यवाद। सर रावण बखुलाहट में आ जाता था उसी तरीके से नीतीश चचा जी भी बखुलाहट में, खाली चचा जी। सर रावण बखुलाहट में आ जाता था उसी तरीके से नीतीश चचा जी भी बखुलाहट में, खाली चचा जी।